के बेहोश कर दिया मेरे बेटा को। चारों को क्या पूछा नंबर, चारों को बताइए मुझे। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आपसी विवाद के बाद दो पक्षों के खूनी संघर्ष में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाबत दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग दलील दी जा रही। एक पक्ष जहाँ लड़का की शादी दूसरे पक्ष के द्वारा तुड़वाए जाने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होने की बात बता रहे हैं, तो दूसरी ओर दूसरे पक्ष के द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे गैसिंग का धंधा का विरोध करने पर मारपीट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, देखिए पूरी खबर। हुआ कैसे हम बताते हैं। एक महीना पहले बेसिंग चल रहा था, कौन छः महीना से पर्वती मेरे घर के पास। तो हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है ना, तो बेसिंग चल रहा था, तो उसके बाद हम लोग बोले कि देखो अभी किसी के घर में खर्ची नहीं थी और तुम लोग जो बेसिंग खेलवाते हो तो आओ भुखमरी हो जाना, गैसी धंधा गैसी का धंधा अच्छा नहीं तो नहीं करवा। तो वो बोला कौन जी, हाँ हम करवावे। तो पुलिस को हम लोग रिपोर्ट किए, भोला साहब बोला कि हम लोग करवावे हैं गैसी, जिसको दम है तो बंद करवाएंगे। तो हम बोला कि ऐसा बात है तो ठीक है। तो हम लोग पुलिस को सूचना दिए इसका, तो पुलिस ने बोला क्या कि अच्छा ठीक, उसके बाद कुछ नहीं बोला। मतलब 20,000 रुपया जाता था उसका थाना में पैसा। संजीव का घर जो है संजीव प्रेस हिंदुस्तान में रहता है, उसके घर के जस्ट एकदम दीवार के पास गैसिंग होता था और संजीव ने पैसा उसको थाना पहुंचाता था। संजीव भी मिला हुआ था प्रेस वाला, दलाली रुपया खाता, वो भी एक्शन नहीं हुआ। नहीं लेने के बाद हम लोग सोचे कि ऐसे आदमी को विश्वास नहीं होगा। तो आदमी एक तो मेरा लड़का ने वह उसको वीडियो बनाया गैसिंग का, चिट्ठा चिट्ठा काटते हुए मेरे पास वीडियो है। तो बोला कि देखो आप गैसिंग नहीं उठाइएगा ना तो हम वीडियो ही वायरल कर देंगे। तो बोला तुमको जो करना है करो, हम किसी से डरते नहीं। गैसिंग कराने वाला तो कलेजा रहता है, वो सबका नोट ज़्यादा रहता है। हम लोग गरीब आदमी और हम शराबबंदी का आंदोलन किए थे 2009 में और 2015। क्या हुआ ये बताइए। तो इसी कारण वही गुस्सा हो गया और गाली गलौज कर रहा। कौन मारपीट कौन की आपके साथ कि आप मेरा गैसिंग बंद करवा दें। कौन किया मारपीट, कौन किया मारपीट किया? भोला साहब, रितीश कुमार साहब और रोहित कुमार साहब और उसका पूनम देवी और रवि साहब खून खोलने लगा। शादी नहीं होने देता, जब कल लगा वो सुना बस वही आके पूछता है कि तोरा शादी तोड़वाई छो, नहीं तोरा गुस्सा कथी लगे छो, तो नहीं तोड़वाई छो जो तोरा गुस्सा लगे छो। इतने में बेटा को पकड़ पटक के जमीन पर गिरा दिया, दस्मर तक दौड़ा दौड़ा शादी तोड़वा रहा आपका। वो अपना बच्चा को मेरे परिवार में घुसाना चाहता है, हम काहे करेंगे उसका परिवार में। आज क्या किया? आज मारा सबको। कितना आदमी था? किसको? कौन कौन? पूरा फैमिली था और उसका भाई गौतम सूरज और उसका परमिला देवी और नाती था दूगो, नाती के नाम प्रीतम कुमार। सब बहन का बोल रहे थे अपना अपना लड़की से शादी करवाना कह रहा है। हाँ क्या बोल गए? नानी का बेटी। वो अपना चाहता कि मेरे को ऐसे सब बच जाता, घुसा देता है, नहीं करते हैं तो मार करता है। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम देवी। ठीक था बताइए। उसका पूरा परिवार था,
सुरेश शाह, अजय शाह, सूरज शाह, गौतम शाह, प्रीतम कुमार, किशोर कुमार। क्या हुआ था, क्या पूरा बताओ ना यार। वो लोग घर से हम लोग बैठे हुए थे तो लोग इधर से हथियार लेके आया और अचानक हमला कर दिया। इसका कोई कारण नहीं बोल रहा था कि मेरा भाई का शादी लगा हुआ था तो वो लोग शादी तोड़वाना चाहता और गाली गुल्लम करना चाहता। 21 तारीख को भाई का शादी, मेरा शादी वो लोग तोड़वा देता तो हम लोग बोले शादी तोड़वाना चाहता है दुश्मनी से। दुश्मनी से बहुत पहले से क्या चीज का दुश्मनी, मतलब अपने हम लोग उसको टोक टाक नहीं करते हैं, बात विचार नहीं करते हैं ना हम लोग से जलता, इसलिए वो लोग सस्ता घर में खुशी ना। क्या चीज से मारा? लोहा का रेट से, खंती से। कितना आदमी था उसका? पूरा फैमिली 15-20 आदमी। कौन कौन? पूरा लेडीज था, सब लगा के 30 को। उसका लेडीज का नाम तो नहीं, परमिला देवी। हां, परमिला देवी, रेणु देवी, रेणु देवी, रानी देवी, रानी देवी था। क्या था हथियार में? क्या था लोहा का रेट था, छड़ का वो था, पाइप का प्लास्टिक का था, वो था, खंती था, और बंदूक भी था, तलवार था। और तलवार था हम का वो पूरा है, तुम सबको भी उड़ा देंगे। हाँ जबरदस्ती, और हम लोग दो भाई थे, पापा छोड़ा रहे थे, वो धनवा के अंदर। कौन था? इस विद्यालय से। क्या नाम आपका? रितेश कुमार। वहाँ पर गैसिंग का धंधा करता था। कौन? भोला सा। तो उसमें हमको वहाँ पर आपत्ति लगा कि वहाँ पर का बच्चा सब समाज में खराब हो रहा है, समाज में खराब हो रहा है, कमा के कुछ भी आ रहा है, 200-100 रुपया कमा के आ रहा, सब गैसिंग में जाके वो दे रहा था। हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग वहाँ पर दो चार लड़का बोले तो दो चार लड़का को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब दो तीन बार हुज्जतबाजी भी हुआ हमसे, बोला नहीं हम करवाएंगे। तो इसमें परेश बोला था, संजीव नाम करके है, जस्ट घर के बगल में संजीव नाम करके है, वो बोला कि हाँ होगा, यहाँ पर जो होगा हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गए थाना पर भी, थाना पर जाने लगे तो वहाँ पर का जो गाँव का मोहल्ले का जो आदमी है, बोला ऐसे ना होगा, तुम लोग वीडियो करके रखो, उसके बाद हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और जब हम लोग वीडियो करके रखें तो इसमें प्रेस वाला भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, और जब वहाँ पर का आदमी था 10-5 वो भी कुछ नहीं बोलने लगा, सब शांत हो गया। मारा है भोला सा का बेटा रोहित है, रितीश है, और उसका पत्नी गैसिंग के लिए। हाँ, गैसिंग के वजह से ही मारपीट हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय साहब, रवि, रवि नाम भी है। रवि मारपीट नहीं किया उसको, हम नहीं जाने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय साहब हुआ। अजय साहब, घायल हो? हम घायल है, मेरी पत्नी घायल है, मतलब चोट घाट लगा इसको लाठी डंडा से, और मेरा सिस्टर को लगा है।